नमस्कार, लिटरेचर के समरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर गावेन एंड ग्रीन नाइट इज अ लेट 14th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश वेलरिक रोमांस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्थुरियन स्टोरीज एंड द ऑथर इज अननोन। एंड हियर वी हैव सम मैन कैरेक्टर्स, सर गावेन, द ग्रीन नाइट, वर्टिलैक दे हो डिजर्ट, लेडी वर्टिलैक, मोर्गन दे फ्ले, किंग आर्थर और अननेम्ड अगली लेडी। कहानी की शुरुआत होती है इन कैमलेट कोर्ट ऑफ किंग आर्थर ऑन न्यू ईयर इवनिंग। किंग आर्थर्स कोर्ट इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट और वेटिंग फॉर द फिस्टिंग टू स्टार्ट व्हेन द किंग आस्क्स टू सी और हियर एन एक्साइटिंग और एडवेंचरस। सो आफ्टर दैट द ग्रीन नाइट एंटर। एक जाइगेंटिक फिगर ग्रीन अपीयरेंस के साथ और ग्रीन हॉर्स के साथ एक्सपेक्टेडली हॉल में एंटर करता है। उसने कोई सुरक्षा कवच नहीं पहना है, उसके एक हाथ में एक्स यानी कुल्हाड़ी है और वह इंसिस्ट करता है कि ही हैज़ कम फॉर ए फ्रेंडली क्रिसमस गेम। द गेम इज़ फॉर समवन इन द कोर्ट टू स्ट्राइक हिम वंस विद हिज एक्स, और कंडीशन होगी कि ग्रीन नाइट एक साल के बाद रिटर्न ब्लो करेगा, एक साल और एक दिन के बाद, एंड देन द स्प्लेंडेड एक्स विल बिलोंग टू हूएवर टेक्स हिम ऑन। किंग आर्थर इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज व्हेन इट अपीयर्स नो अदर नाइट विल डेयर, एंड देन सर गावेन क्विकली इंटरपोज करते हुए ऑनर मांगते हैं और वो फॉर्मली ग्रीन नाइट की टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ग्रीन नाइट बैठते हुए अपनी नेक को झुका लेता है एंड देन सर गावेन बड़ी सफाई से नेक काट देते हैं विद ए वन स्ट्रोक और हेड ग्राउंड पे गिर जाता है। बट ग्रीन नाइट ना हिलता है और ना गिरता है, इंस्टेड ही रीचेस आउट, अपने सिर को उठाता है और वापस लगा लेता है। और फिर ग्रीन नाइट सर गावेन को बोलता है कि एक साल और एक दिन के बाद हम फिर से ग्रीन चैपल में मिलेंगे फॉर द रिटर्न ब्लो। और कुछ समय बीतने के बाद सर गावेन सेट्स ऑफ टू फाइंड द ग्रीन चैपल एंड कंप्लीट हिज बार्गेन विद द ग्रीन नाइट। और फिर वो निकल पड़ते हैं बहुत सारे एडवेंचर और बैटल के बाद। सर गावेन एक स्प्लेंडेड कासल पर पहुंचते हैं और वहाँ ही मीट्स वर्टिलैक डे होट डेजर्ट, द लॉर्ड ऑफ कासल एंड हिज ब्यूटिफुल वाइफ और ए अननेम्ड अगली लेडी। सर गावेन उन्हें बताते हैं अपनी न्यू ईयर अपॉइंटमेंट के बारे में, तो वर्टिलैक हंसते हुए एक्सप्लेन करता है कि ग्रीन चैपल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है एंड प्रपोजेस गावेन रेस्ट एट द कासल टिल देन। नेक्स्ट डे बिफोर गोइंग हंटिंग वर्टिलैक गावेन को एक प्लेफुल बार्गेन के लिए बोलता है कि आज दिन भर में मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, ऑन ए कंडीशन दैट गावेन भी उसे सब कुछ देगा जो वो प्राप्त करेगा। और सर गावेन उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वर्टिलैक चला जाता है तो लेडी वर्टिलैक गावेन के बेडरूम में आती है और उसे सेड्यूस करती है। डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स वो उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता। He yells nothing but a single kiss. जब वर्टिलैक वापस आता है तो वह गावेन को डियर देता है और रिटर्न में गावेन उसे किस देता है विदाउट बताए हुए उसका सोर्स। अगले दिन वर्टिलैक फिर से हंटिंग के लिए जाता है और लेडी वर्टिलैक कम्स अगेन टू सेड्यूस सर गावेन। दिस टाइम गावेन येल्स टू किसेस और पिछली बार की तरह वो हंटेड बोर के बदले वर्टिलैक को टू किसेस दे देता है। और लेडी वर्टिलैक फिर से तीसरी सुबह आती है वर्टिलैक के जाने के बाद और गावेन को एक गोल्ड रिंग सेफ रखने के लिए कहती है, पर गावेन मना कर देता है। फिर वो उसे अपना बेल्ट गर्डल रखने के लिए देती है कि तुम्हें फिजिकल हार्म से बचाएगा, एंड देन गावेन एक्सेप्ट इट फ्रॉम हर। दे ऑल्सो एक्सचेंज 3 किसेस और उस शाम वर्टिलैक फॉक्स लेकर आता है और 3 किसेस एक्सचेंज कर लेता है गावेन के साथ। वह उसे लेडी वर्टिलैक के द्वारा दिया गया ग्रिडल नहीं देता है, उसे अपने पास रख लेता है। द नेक्स्ट डे गावेन ग्रीन चैपल के लिए निकलता है अपनी कमर पर गर्डल लगाकर और ग्रीन नाइट को देखता है, उससे मिलता है।
गावेन नेक को झुकाकर ब्लो रिसीव करने के लिए खड़ा हो जाता है। पहले वार पर गावेन थोड़ा सा फ्लिंच करता है, बट अगेन ही डज नॉट फ्लिंच। पर फिर से फुल फोर्स से किया गया वार रुक जाता है और ग्रीन नाइट कहता है कि मैं तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर रहा था। दो बार स्विंग करने के बाद गावेन ग्रीन नाइट को एंग्री होकर बोलता है ब्लो करने के लिए, और फिर ग्रीन नाइट सॉफ्टली नेक पर ब्लो करता है जिससे गावेन मरता नहीं है। एंड हैविंग कंप्लीटेड द कंडीशन गावेन सीज हिज स्वॉर्ड हेलमेट एंड शील्ड टू फाइट। एंड देन ग्रीन नाइट हंसता है और रिवेल्स हिमसेल्फ टू बी लॉर्ड ऑफ द कासल वर्टिलेक एंड ट्रांसफॉर्म्ड विद मैजिक, और एक्सप्लेन करता है दैट द इंटायर एडवेंचर वाज ए ट्रिक ऑफ मॉर्गन सिस्टर ऑफ आर्थर बिकॉज इट वाज इंटेंडेड टू टेस्ट आर्थर्स नाइट। मॉर्गन वाज द एल्डरली लेडी गावेन शो एट द कासल, द वन अगली ओल्ड लेडी। जब गावेन कैमलेट वापस आ जाता है ही फील्स फेलियर टू कीप हिज प्रोमिस, एंड इन द एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल हैविंग हियर्ड हिज स्टोरी अब्सोल्व हिम ऑफ ब्लेम। एंड गावेन के एडवेंचर को रिकॉग्नाइज रखने के लिए इट इज डिक्रीड दैट हेंसफोर्थ ऑल विल वियर ए ग्रीन सैश। एंड दैट इज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।